फाइनली मैं आप लोगों के लिए सुजुकी जिम्नी लेके आ चुका हूँ। बिल्कुल एक नीट एंड क्लीन सी वीडियो दिखाऊंगा और सारी चीज़ें इसमें बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें मिल जाते हैं इसके अंदर। ना आपको दो वेरिएंट मिलेंगे, जेटा और अल्फा। दोनों ही वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक और मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाएगा, बट 4x4 में आपको कोई चॉइस नहीं मिलेगी। जेटा और अल्फा दोनों के अंदर ही आप लोग को 4x4 मिलने वाला है। ये इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट है अल्फा, और मैनुअल ट्रांसमिशन में है। अभी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का इसका पता नहीं है कि भाई वो कौन सा आएगा। इस वेरियंट में आप लोग को बताऊँगी क्या क्या चीज़ें जाते हैं। जैसे आप इस गाड़ी की हेडलाइट देखोगे तो ये प्रोजेक्टर एलईडी हेडलाइट्स मिलती है, और हेडलाइट में भी क्या है आपको वॉशर मिल जाएगा, इंडिकेटर हैलोजन बल्ब के साथ में, और जो फॉग लाइट दी गई है वो भी गाड़ी की हैलोजन बल्ब के साथ में मिलती है। रेडिएटर ग्रिल में जैसे आप आगे की तरफ में देखोगे तो यहाँ पे क्रोम का भी यूज देखने को मिल जाएगा। भाई आप थार में देखोगे ना, थार में क्या आपको आगे की तरफ में कोई भी वॉशर वगैरह नहीं मिलता है, बट यहाँ पे आप लोग को वॉशर देखने को मिल जाएगा, जो कि ऑफ रोडिंग के लिए भाई काफी बढ़िया सा है। प्लास्टिक का ही गाड़ी के अंदर में बम्पर है। जैसे आप गाड़ी की लेंथ देखोगे तो वो बिल्कुल ओके है, बट जो गाड़ी की हाइट है ना कहीं आप लोगों को कम ये लगने वाली है। अब थार का और जिम्नी का आपको बिल्कुल बढ़िया सा पता चल पाएगा। अब थार की बोनट की हाइट देखो, गाड़ी चौड़ी होने की वजह से जो थार की बोनट की हाइट है कुछ ज़्यादा ही लग रही है, बट एक्चुअल में है भी थार की बोनट की हाइट ही ज़्यादा है। वैसे इस गाड़ी की हाइट देखोगे थार की और कंपेयर करोगे जिम्नी से, तो इसके अंदर आप लोग को 124 mm का डिफरेंस मिलेगा, यानी कि 12 सेंटीमीटर ज़्यादा ऊंची है थार कंपैरेटिवली जिम्नी से। जिम्नी भाई बहुत ही ज़्यादा छोटी सी लगती है, जैसे कोई मान लो 6 फुट का या इससे बड़ा हो, मतलब छोटी सी लगती है हाइट में। लेंथ गाड़ी की पूरी है बट चौड़ाई में भी कम है, चौड़ाई में तो और भी ज़्यादा कम है थार से, 174 mm चौड़ाई में कम है, यानी कि 17 सेंटीमीटर चौड़ाई में कम है, हाइट में भी कम है और चौड़ाई में भी कम है। और इस गाड़ी के अंदर में 6 एयरबैग्स आपको मिल तो जाते हैं, बट सेफ्टी का नहीं पता यार, अब मारुति सुजुकी वाली आएगी या फिर इम्प्रूव होके आएगी। अल्फा में आप लोगों को क्या चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे जो इसके ORV में ना, ये आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एज वेल एज रिट्रैक्टेबल दोनों फंक्शन के साथ में मिल जाते हैं, और इंडिकेटर जो है आपको यहाँ साइड फेंडर पे ही देखने को मिलेंगे। बड़े बड़े से साइड में आपको रफ ब्लैक फिनिश में क्लाइडिंग दी गई है, जो कि इस गाड़ी को काफ़ी अच्छी सी लुक प्रोवाइड कर रही है, बट जो गाड़ी की हाइट है वो कहीं ना कहीं आप लोग को उस चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेंथ में तो आप लोग को गाड़ी बिल्कुल ओके लगने वाली है। जैसे आप इस गाड़ी को लॉक एंड अनलॉक करने के लिए रिक्वेस्ट सेंसर देखोगे तो ये ड्राइवर साइड, पैसेंजर साइड एज वेल एज की बूट में भी, वहाँ पर भी जो गेट दिया हुआ है वहाँ पर भी मिल जाता है, वो आप लोग को दिखाऊंगा। इस गाड़ी के अंदर मिलता है 210 mm का बढ़िया सा ग्राउंड क्लियरेंस। अप्रोच एंगल देखोगे तो जो टायर है ना फ्रंट वाला, वो देखो बिल्कुल बम्पर के पास है, तो अगला टायर जो बम्पर है वो टिकने का भाई बिल्कुल भी चांस ही नहीं बनता है। अब पीछे से देखो भाई, इसमें देखो बम्पर पिछले वाला बिल्कुल पास है टायर के, तो पीछे से नहीं टिकेगा। अप्रोच एंगल और डिपार्चर एंगल गाड़ी में बिल्कुल सही सा मिल जाता है। अब ये चीज़ देखो, पीछे भी आप लोगों को ग्लास मिल जाता है, और एक चीज़ नोटिस करना आप लोग कि जैसे जो इस गाड़ी के ग्लासेज हैं वो टिंटेड मिल जाते हैं। ये इसका सिर्फ टॉप वेरिएंट जो आएगा अल्फा, उसी में ही आप लोग को ये चीज़ मिलेगी कि टिंटेड ग्लास मिल जाएंगे। तो आप बाहर से भाई इसमें फिल्म वगैरह चढ़वाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये 100% आप लोग को लीगल लगने वाली है। अब रूफ देखो भाई, इस गाड़ी की ब्लैक कलर में दी गई है, टॉप वेरिएंट है, ड्यूअल टोन और सिंगल टोन दोनों का ऑप्शन मिल जाएगा, रेड वाइट ग्रे, और एक तो ये ग्रीन है, ये ग्रीन कलर है, थोड़ा चटक से कलर है जैसे मैंने पहन रखा है, इसी तरीके का कलर है, और एक कलर आएगा इसके अंदर ब्लू ब्लैक शेड के साथ में। पीछे भी देखो आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है गाड़ी को लॉक एंड अनलॉक करने के लिए। स्पेयर व्हील की प्लेसमेंट जो है यहाँ पीछे की तरफ में आप लोग को देखने को मिलेगी। डिफॉगर वाइपर दोनों चीज़ मिल जाती है, हाई माउंट स्टॉप लैंप भी है गाड़ी में, माइक्रो टाइप एंटीना भी मिल जाता है, ऑल ग्रिप की यहाँ पर बैजिंग दे रखी है। तो ये मैं सोचना कि भाई ग्रैंड विटारा वाला आपको 4x4 मिलेगा, जो 4x4 है ना बढ़िया वाला इसके अंदर मिलेगा, जिसके अंदर आप 4x4 High को भी एंगेज कर सकते हो, वो आपको अंदर जाके दिखाऊंगा। पार्किंग सेंसर्स 4 गाड़ी के अंदर में दिए गए हैं, और यहाँ पे देखोगे तो कैमरा भी मिल जाता है, बट यहाँ पे कोई वॉशर नहीं दे रखा है, तो प्लेसमेंट बिल्कुल नीचे है, तो गंदा होने के पूरे चांसेस है। जो इसका एग्जॉस्ट टिप देखोगे ना, वो आपको यहाँ साइड में मिलती है, सिंगल ही एग्जॉस्ट टिप इस गाड़ी के अंदर में दे रखी है। जो टेल लाइट है गाड़ी की वो आपको हैलोजन बल्ब के साथ में ही मिल जाती है। अब इसका बूट देखो भाई, यहाँ से ओपन करके दिखाता हूँ, 208, और इस गाड़ी के अंदर में 208 लीटर का आप लोगों को बूट स्पेस मिल जाता है। 50-50 स्प्लिट सीटें भी गाड़ी में मिल जाती है, इन सीट को जो है आप डाउन भी कर सकते हैं, फिर जो आपका बूट स्पेस है और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, बट वही चीज़ है ये डाउन करने के बाद में ये थोड़ा सा उठा हुआ रह जाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल ही फ्लैट ये हो जाता है। अभी चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर्स में और दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें इस गाड़ी के अंदर में आप लोग को मिल जाती है। और जैसे देखोगे ना, इसके टेलगेट में आपको यहाँ पर हाइड्रोलिक भी मिल जाता है,
भाई गाड़ी देखने में ना काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। अब जेटा में बताऊँ आपको LED हेडलाइट्स नहीं मिलेगी, फॉग लाइट नहीं मिलेगी, इलेक्ट्रिकली रिट्रैक्टेबल वाले ORVMs इस गाड़ी के अंदर में नहीं मिलेंगे। अब इंटीरियर से बताता हूँ मैं क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मिल जाती है। जैसे आप इस गाड़ी का यहाँ पे देखोगे डोर पैड पे, तो यहाँ पे बेसिकली कोई भी बटन्स वगैरह नहीं मिलते हैं। इस वेरिएंट में आपको 4 स्पीकर मिलेंगे। जैसे इस गाड़ी के अंदर जो जेटा वेरियंट आएगा या फिर जो अल्फा वेरियंट है, सभी में ही आप लोग को 4 ही स्पीकर मिलने वाले हैं। इस गाड़ी की जैसे आप सीट देखोगे तो लेदर की अपोल्स्ट्री नहीं मिलती है, फैब्रिक की सीट अपोल्स्ट्री मिलती है, बट बकेट फिटिंग वगैरह जैसे देखोगे ना तो वो चीज़ नहीं मिलती है कि जैसे बलिनों में आती है बढ़िया वाली सी बकेट फिटिंग। बट फिर भी इसमें बकेट फिटिंग बिल्कुल ठीक है, बैक सपोर्ट भी काफ़ी अच्छी से मिल जाती है। अब इस गाड़ी के अंदर ना बढ़िया चीज़ क्या है कि आपको जेटा में और अल्फा में दोनों में ही 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि एयरबैग से कॉम्प्रोमाइज इस गाड़ी के अंदर में किया गया है, और सेफ्टी में ABS, EBD वो सारी चीज़ें भी गाड़ी में मिल जाती है। यहाँ पे देखोगे तो आप लोग को मिल जाता है इसकी जैसे जो हेडलाइट दे रखे ना उनको वॉश करने के लिए, और ये आइडल इंजन ऑन एंड ऑफ। इस गाड़ी के अंदर में जो इंजन है K15B वाला ही मिलता है। लाइट लेवलिंग के लिए बेसिकली यहाँ पे कंट्रोल दे रखा है, और ये इसके ORVM के कंट्रोल्स दे रखे हैं। ये इसके इंजन स्टार्ट स्टॉप का स्विच बेसिकली दिया हुआ है। फ्यूल लीड को खोलने के लिए यहाँ पे मिल जाता है, और जो गाड़ी की फ्यूल लीड है वो राइट साइड में मिलती है। 40 लीटर की गाड़ी के अंदर में फ्यूल टैंक कैपेसिटी आप लोगों को मिल जाती है। हर एक जगह पे गाड़ी में आप लोग के हार्ड प्लास्टिक का यूज़ मिलेगा। डोर हैंडल्स जो हैं इसके क्रोम फिनिश के साथ ही मिलते हैं। अब इंटीरियर्स की बारी आती है भाई मेन चीज़, तो इसमें ना आपको कोई हाइट एडजस्टमेंट वाली सीट नहीं मिलती है भाई। बोनट गाड़ी का पूरा अच्छा सा दिखता है, चलाने बिल्कुल मज़ा आएगा। बट जो ये टच स्क्रीन है और जो ORVM है इसके बीच का गैप कम है, थोड़ा सा ना मुझे उलझन सा हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि ORVM हट जाए ना तो बढ़िया सा गाड़ी के अंदर में व्यू आ जाए, बट फिर भी पूरा क्लियर इसका बोनट दिख रहा है भाई। मज़ा आएगा इस गाड़ी को चलाने में। जैसे थार में बैठते हैं उसके अंदर आती है पूरी खुले वाली फील, चौड़े वाली फील, बट इस गाड़ी के अंदर में वो चीज़ आप लोग को नहीं मिलेगी। गाड़ी की चौड़ाई थोड़ी सी कम लगने वाली है। बाकी पीछे से आप लोग को बता भाई लेंथ गाड़ी की पूरी लगेगी, ORVM से बिल्कुल बढ़िया भी है, और जो ये पार्ट है ना प्लास्टिक के ये नीचे है तो विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी आएगी। एक SUV वाली फील तो गाड़ी के अंदर में आ जाती है, बट वही है आप थोड़ा सा नीचे बैठोगे बगल में SUV आ जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे बैठे हो। जो गाड़ी का स्टेयरिंग व्हील है ये आपको लेदर रैप मिल जाता है, म्यूजिक सिस्टम के इस पे कंट्रोल्स दिए गए हैं, यहाँ पे क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा। इस गाड़ी का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जिप्सी से इंस्पायर है भाई, देखने में काफ़ी बढ़िया है। बट बीच में ना आपको नई चीज़ मिल जाएगी, डिजिटल क्लस्टर, टैकोमीटर, स्पीडोमीटर दोनों चीज़ें मिल जाती है। जो इससे नीचे वाला वेरिएंट आएगा ना उसके अंदर टच स्क्रीन डिस्प्ले आएगी पुरानी वाली 7 इंच की जो आती थी, बट यहाँ पे दी गई है गाड़ी में नई वाली टच स्क्रीन डिस्प्ले, जो कि आपकी एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये सारी चीज़ें इसमें सपोर्ट करने वाली है। और जैसे देखोगे आप लोग को इस गाड़ी में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी मिल जाएगा, बट ये चीज़ ना आपको जेटा वेरिएंट में नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे देखो इसके पावर विंडो के जो स्विचेज हैं ना ये तो दे रखे हैं भाई, इसके पीछे वाले आगे वाले पावर विंडो के स्विचेज जो हैं आप लोग को यहाँ पे मिलेंगे। ड्राइवर साइड विंडो जो है आपको ऑटो अप एंड डाउन दोनों फंक्शन के साथ मिल जाती है। हिल डिसेंट कंट्रोल है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, और ये इसकी पैसेंजर साइड पावर विंडो के लिए बेसिकली दे रखे हैं। यहाँ पे आपको USB मिल जाती है, 12 वोल्ट का शॉक किट है, कोई फ़ोन प्लेस करने के लिए ना यहाँ पे थोड़ी सी ही जगह मिलती है। ऑफ रोडिंग में यहाँ पे फ़ोन रख लिया तो आपका फ़ोन जो है गिर जाएगा। गियर नो बिल्कुल सेम, मतलब इतना पार्ट देखोगे तो बिल्कुल सेम है, बट साइड से देखोगे ना पूरी रगेड वाली सी फील गाड़ी में दे रखी है। ये आपका 4 लो एंड 4 हाई एंड 2 हाई में तो ऑलरेडी चलेगी, तो ये एंगेज करने के लिए दे रखा है। बेसिकली इसके अंदर ना आपको न्यूट्रल वाला नहीं मिलता जो कि थार में देखने को मिल जाता है। यहाँ पे 2 पावर विंडो के स्विचेज हैं पीछे वाले, और ये पावर विंडो को लॉक एंड अनलॉक करने के लिए दिया हुआ है। हैजार्ड लैंप का स्विच यहाँ पे दे रखा है, और जो इसके ORVM है मैनुअल डे नाइट वाले ही गाड़ी के अंदर में मिलते हैं। पैसेंजर साइड सनवाइजर में आपको मिरर मिल जाता है, और ड्राइवर साइड सनवाइजर में जो है आपको मिरर मिल जाता है। अब इस गाड़ी में ना मैं कंफर्ट दिखाता हूँ कि कैसा क्या मिलता है। जैसे गाड़ी में विजिबिलिटी वगैरह काफ़ी अच्छी है, सीटों की चौड़ाई वगैरह काफ़ी अच्छी मिल जाती है, बट गाड़ी में आर्म रेस्ट नहीं मिलता है। अब यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरीके से अपना हाथ वगैरह रखे गाड़ी को बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं। अब इसकी सेकंड रो में बताता हूँ कि कैसे क्या कंफर्ट मिलता है। ड्राइवर साइड सीट मैंने अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दिया, 6 फुट मेरी हाइट है। अब देखो भाई पीछे ये जो इसकी पीछे वाली सीट है ना अगली वाली सीट से ऊपर पोजिशन में है,
हेडरूम इसमें कितना मिलता है, 4 उंगली जितना गाड़ी में हेडरूम ही बचता है। बाकी नी रूम ओके है, लेग रूम ओके है। जैसे थार जो आती है ना टू डोर में, उसके अंदर क्या है पीछे जाने के लिए बहुत दिक्कत भरा सा हो जाता है, बट ये चीज़ कंपनी ने इसके अंदर सॉर्ट आउट कर दी है। पीछे जाने के लिए तो प्रॉपर है, बट ये गाड़ी ना आप इस गाड़ी के अंदर चार ही जने आराम से बैठ के जा सकते हो, 2 आगे और 2 इसकी सेकेंड रो में। यहाँ पे देखोगे पावर विंडो का जो स्विच दे रखा है काफ़ी यूनिक ही दे रखा है भाई, ऐसे पावर विंडो कहीं नहीं देखा होगा। स्पीकर की ही गाड़ी में सिर्फ प्लेसमेंट मिलती है बीच का, हम आई भाई बेल्ट लग गई मेरे। आइसोफिक्स सीट भी गाड़ी के अंदर मिल जाती है, और जो सीट्स है ना इनका आप रेक्लाइनिंग एंगल भी थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी गाड़ी में मिल जाते हैं, और यहाँ पे देखोगे तो आपको हेलोजन बल्ब के साथ में रीडिंग लैंप्स भी मिल जाती है। इस गाड़ी के अंदर में जो इंजन मिलता है ना 1.5 लीटर का मिलता है, K15B वाला, यानी कि पुराने वाला इंजन मिलता है, जो कि आपकी 104 PS ऑफ पावर और 134 NM ऑफ टॉर्क ये इंजन प्रोड्यूस करता है। पावर के मामले में कहीं ना कहीं आप लोगों को कम लगने वाली है, और भाई जो इंजन है वो भी इसका पुराने वाला है, तो ये चीज़ थोड़ी सी आपको डिसअपॉइंट करने वाली है। तो गाइस ठीक है, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल में सब्सक्राइब करना। टेक केयर बाय, थैंक यू सो मच।